क्या होता है कि ड्रॉजिंग इज अ वेरी वेरी इजी तरीका है किसी भी एनर्जी को समझने का, अपने आंसर्स को जानने का बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही एशियंट टाइम में, बहुत ही पुराने जमाने से इस विद्या को यूज कर रहे हैं, और ये विद्या बहुत ही सटीक और बहुत ही तरीके से हमारी लाइफ को इजी बनाती है। हमारे जो गुरुजी थे जिनसे हमने सीखा, वो कहते हैं अगर आपने ड्रॉजिंग नहीं सीखी तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। मतलब ड्रॉजिंग इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। सिर्फ इसके लिए आप जितना अपना मेडिटेशन करते हैं, आपकी थर्ड आई जितनी एक्टिवेट होती है, आप जितना मेडिटेशन करते हैं उतना ही ज्यादा आप उसके अंदर अपने आंसर्स को सही उसके अंदर ले पाते हो। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आता है, जो उनके चैलेंजेस होते हैं उनके साथ, वो ये होते हैं कि उनके आंसर्स सही नहीं आते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार वो बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछते जाते हैं, इसकी वजह से वो और कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं। तो उसका सिर्फ यही है कि आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, आप उतना एनर्जी को महसूस करेंगे, फील करेंगे, और आपके आंसर्स जो है वो बिल्कुल सही और सटीक आने शुरू हो जाए। उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस क्या होती है ना, आपने सुना होगा कि जैसे मंदिरों में आप देखते हैं कि पूजा पाठ होती है ना, जब हम लोग बैठते हैं मंदिरों में जाते हैं, उनका एक नियम होता है, समय होता है कि उन्होंने सुबह 4 बजे पूजा करनी है, दोपहर को 12 बजे उन्होंने आरती करनी है, शाम को 7 बजे उनकी आरती होगी, रात को 10 बजे उनके भगवान को शयन की आरती होगी, सुबह भगवान को उठाने की आरती होगी, दोपहर को भगवान के भोजन की आरती होगी, और शाम को संध्या काल की आरती होगी, 9 बजे उनकी वैसे नॉर्मल जो आरती होती है पूजा अवसर। तो ये इस तरीके से एक उन लोगों के अपने एक नियम होते हैं ना, और वो उसी नियम पर अपने सारे काम करते हैं। उससे क्या होता है कि जब एक ही नियम हम अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं, जब हमारे बार बार हम उस नियम को फॉलो करते हैं, तो वहां हमारी जो पावर्स होती है ना, वो स्ट्रांग हो जाती है। उस जगह पर या एक जगह पर बैठकर, एक स्थान पर बैठ के जब हम बार बार वो काम करते हैं, तो वो चीज, वो हमारी जो पावर होती है, वो उस जगह पर, उस स्थान पर आ जाती है, उस जगह पे आ जाती है। जैसे मंदिरों के अंदर भगवान विराजमान है, पुजारी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको भगवान का स्नान होता है, उनको भोजन का भोग लगाया जाता है, और भगत लोग आते हैं, पूजा पाठ होती है, वहां का जो एक ऑरा होता है वो बहुत ही सकारात्मक ऑरा होता है, और लोग वहां आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक नियम से उनके सब काम होते हैं। तो वहां पर आप जो भी काम होता है ना, फिर वो भगवान की वहां पर एक पावर आ जाती है। ऐसे बहुत सारे मंदिर होते हैं ना जहाँ पे हम जाते हैं, कहते हैं कि ये सिद्ध मंदिर है, यहाँ पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, इस तरीके से। तो उन जगहों पे भगवान की पावर आ जाती है। उसी तरीके से वो चीजें जब हम हमारे लिए करते हैं, हमारी जिंदगी के अपने एक नियम होते हैं कि हम अपना मेडिटेशन करते हैं, या हमारा एक नियम है कि हमने जैसे स्टार्टिंग के अंदर जब आप लोग कर चुके हैं, बहुत अवेयरनेस हो चुकी है, बहुत सालों से आप उस पर काम कर रहे हैं, फिर कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब आप नया नया जब आप सीखते हैं, तो आपका एक नियम होना चाहिए कि आपको सुबह उठते के साथ ही 5 मिनट अपना ड्रॉजिंग को देने हैं, 5 मिनट मेडिटेशन करना है, 5 मिनट ड्रॉजिंग को देने हैं। रात को सोने से पहले जो सबसे बेस्ट समय होता है वो यही होता है, सुबह उठते के साथ ही और रात को सोने से पहले, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है, और तब हमारे जो आंसर्स होते हैं वो सही आते हैं। उसके बीच में अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि सुबह उठना और रात को सोने से पहले आप अपने आप को 5 से 10 मिनट दे सको, या आपके और बहुत सारे रिचुअल्स हम लोग करते हैं सुबह उठने के बाद या रात को सोने, तो हमें उतना समय हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बीच में कोई भी एक समय अपना फिक्स कर लो कि मुझे इतने बजे बैठना है, इतने बजे मुझे अपना 5 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में कोई वो नहीं है, आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो सिर्फ आप ओम का चैंटिंग लगा सकते हैं और उसको मेडिटेट कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट ओम की चैंटिंग लगाकर आप उसकी मेडिटेट कर सकते हैं, और पूरा अपना जो ध्यान है अपनी थर्ड आई के ऊपर उस ध्यान को लेकर आए, और फिर उसके बाद आप अपने आंसर्स को ढूंढें। तो आपके आंसर्स किसी किसी के तो एक बार में भी सही आ सकते हैं, किसी किसी के 2 4 5 बार प्रैक्टिस करके आंसर सही आने शुरू हो जाए। अब जब हम लोग बोलते हैं कि आपको अपनी थर्ड आई पर काम करना है,
मतलब कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हम लोग बोलते हैं, अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है, अगर आपकी थर्ड आई एक्टिव है तो आपके लिए मतलब जितनी भी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आप कोई भी काम करते हैं वो आपके लिए आसान होता है। आप देखेंगे बहुत लोग मंदिर पूजा पाठ करते हैं ना, धीरे धीरे उनके अंदर वो शक्तियां आ जाती है कि वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। ऐसा आपके अनुभव होंगे, आपके पर्सनल अनुभव भी ऐसे होंगे, ऐसा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिव हो जाती है आई, थर्ड आई। लेकिन थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके सेवन चक्रा भी एक्टिवेट होने चाहिए। अगर आपके सेवन चक्रास एक्टिवेट नहीं है, अगर आपके सेवन चक्रास में कहीं कोई ब्लॉकेज है, तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद आपके जीवन में कुछ कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप अपने सेवन चक्रास के ऊपर सबसे ज्यादा काम करें, सब कुछ करिए, जितने भी आप लोगों ने सीखा है सब कुछ प्रैक्टिस करिए, लेकिन अपने सेवन चक्रास के ऊपर बहुत ज्यादा एवरी डे, अगर हर रोज नहीं तो हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन, या कम से कम 1 दिन आप अपने चक्रास को दीजिए। क्योंकि अगर आपके चक्रास अच्छे से काम करेंगे, बैलेंस होंगे, तभी आपकी थर्ड आई भी आपका प्रॉपर, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और तभी आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। Thank you.